मुरादाबाद में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा राजकला पीडीए गर्ल्स इंटर कॉलेज में कर्तव्य बोध दिवस शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच के संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण पुरस्कार से विभूषित शिक्षाविद डॉक्टर महेश दिवाकर ने पहुंचकर संगोष्ठी को संबोधित किया और जागरूकता के संदेश दिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा मंगलवार को राजकला पीडीए गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद में कर्तव्य बोध दिवस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व के 26 देशों में जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच के संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण पुरस्कार से विभूषित शिक्षाविद डॉक्टर महेश दिवाकर ने पहुंचकर गोष्ठी को संबोधित किया। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का महापर्व कर्तव्य बोध दिवस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा मनाया जाने वाला स्थायी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिससे समाज के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य बोध का जागरण होता है। और शांति पर उसके पुत्र को वापस दिया। ऐसे होते हैं गुरु जी, असंभव को संभव कर देते हैं। वर्तमान में हम देखें तमाम पूरा इतिहास बड़ा है। परशुराम जी को देखिएगा, कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार थे, विष्णु की शक्ति के रूप में थे, लेकिन उनके भी तो गुरु थे, उनको भी कोई देखा, कहां से सीखते। विद्याएं अवश्य होती है, लेकिन गुरु जब तक उनमें चेतना उत्पन्न नहीं करता है तब तक वो सफलता को प्राप्त नहीं करता है। परशुराम को शिक्षा दी उस समय के जाने माने त्रिकालक के शिव शंकर जी ने। और फिर कैसी क्रांति परशुराम ने की, कुछ बड़ा चढ़ा के तमाम बातें लिखी है, लेकिन ऐसे दैत्यों का विनाश परशुराम जी ने अपने अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा किया और फिर पूरे विश्व का उद्धार परशुराम ने किया। ये सब कुछ संभव हुआ गुरु शिक्षा के कारण से। संगोष्ठी कार्यक्रम में जोगेंद्र पाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन, साथ ही जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधुबाला त्यागी, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग के आदि पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर मधुबाला त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, जिला संरक्षक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, जिला महामंत्री डॉक्टर मधुबाला त्यागी, जिला कोषाध्यक्ष विजय कुमार राम, मंजू त्यागी, रेखा रानी, डॉक्टर वीना सिंह, नीलम पवार, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर प्रगति शर्मा, पूनम रानी, नीतू सिंह, पल्लवी भारद्वाज, साथ ही शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद की ओर से आज कर्तव्य बोध दिवस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन मुरादाबाद के प्रतिष्ठित राजकला पीडीए कन्या इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। कर्तव्य बोध दिवस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक स्थायी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जो प्रत्येक वर्ष युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने पूरे देश विदेश में भारतीय धर्म संस्कृति का डंका बजाया, ध्वज फहराया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी से शुरू होकर और सौर पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी तक देश भर में आयोजित होते हैं। ऐसे ही कर्तव्य बोध दिवस के निमित्त आज इस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन मुरादाबाद में राजकला पीडीए कॉलेज में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में 27 देशों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे शिक्षाविद और उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर महेश दिवाकर जी का मार्गदर्शन शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है।